जनाब एसीबी साहब हो गए हैं। इंदर तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ। देख अपनी वर्दी पर 2 स्टार बढ़ाने के लिए मुझे तो सालों लग गए, लेकिन तेरी तरक्की से तो मैं बहुत ही हैरान हूँ। क्या बात है, अपना देवा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सारी बातें यही खत्म करनी है क्या? सचिंदर बड़े सही वक्त पर आया तू, घर में तेरी मौजूदगी से सब बहुत खुश होंगे। रुको, एक्सक्यूज मी, देवा तूने दौलत तो बहुत कमा ली है, लेकिन दिल का सौदा हुआ है कि नहीं? मतलब लड़की वड़की? लड़की मतलब शादी? शादी? हाँ। अरे इसकी हालत देखी है ना बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं बढ़ती। अच्छा बच्चू मजाक कर रहे हो, देखना तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि। कैसी? कैसी? हाँ यार कैसी लड़की?
अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, मेरे मस्त जवानी है दरिया तूफानी, मेरा लाख टके का जो बन चेहरा है नूरानी, मस्ती की मैं प्याली, महंगे फूल की डाली, कितने नाम गिनाऊं तो बालों को की दिलवाले, मेरा की का जमाल कर गया ऐसा कमाल, ओ मर गए छोरे छोरे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, कोई काले काले बाल काल गोरे गोरे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, कोई उन्हें मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, मेरी बहके बहके चाल कर गए ऐसा कमाल, मर गए छोरे छोरे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, कोई काले काले बाल काल गोरे गोरे, अरे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे ओ रे, कोई उन्हें मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे, अरे ओ रे ओ रे, 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 अरे ओ रे ओ रे। अबे चल चल, देखिए आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं, काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ए, तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है, इसे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना, अपने पास क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना, हा? क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की दो बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैं। 19 MLA थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 MLA जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, आप मेरी बात का ये जी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठ कर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखी। ये क्या कर रहा है? छोड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब, क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए, जगदम्बे अम्बे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। देखो कौन है वहां। Thank you.
पूछे से किसने कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचान आपकी नजरों ने मुझे। हम एक गिरीवी बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ। लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े, और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी, जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है रोने की जरूरत नहीं। मनी इन्हें घर तक छोड़ा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए जाओ डूब मरो, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। Shut up, you bastard! चल चल छोड़, तेरी शादी हो गई। मैं समझ गई, कोई लड़का तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं उसके मन में क्या है। माँ ये क्या हो रहा है, तूने फिर मेरी बुराई शुरू कर दी ना। अरे नहीं रे। खैर कैसा चल रहा है? तूने दवाई टाइम पे ली के नहीं? हाँ हाँ खाई और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए, मैंने तो साफ कह दिया खांसी तो रुकी नहीं रही मेरी, फायदा क्या है। सेव बटाटा पूरी खाएगी? नहीं नहीं मैं कहाँ खाती हूँ। माँ तू सुधरेगी नहीं, डॉक्टर ने तुझे तीखा चटपटा खाने को मना किया है ना। मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन ये नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है। समझ गया फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? सेव और केले। हाय संतरे नहीं लाई तू? पहली बार भूली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वाले को सेव दे के संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेव बटाटा पूरी खिला दिया था, इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है, मस्त। माँ तेरा तो यहाँ टाइम बहुत मस्त पास होता है, अपना तो कल रात को बहुत टाइम खराब आ गया था। क्यों क्या हुआ, तेरा नए मालिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, ये ले तू सेव खा। तूने मुझे अपने नए काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तू कोई ऐसा वैसा काम। माँ तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? देख तेरे को लगता है मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी? नहीं बस ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तू एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी। और अगर तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो तू मुझे बता दे। नजर में तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसे जानना पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है।